बात करेंगे रायपुर की। कांग्रेस की धान खरीदी पर बीजेपी के श्रेय लेने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम धान खरीदी के यथार्थ को जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। पूरे धान को चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है, राज्य सरकार खरीदी के रूप में केंद्र सरकार के रूप में बिठाते हैं। पूरा धान केंद्र सरकार ही लेती है, राज्य सरकार धान का क्या करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की होने वाली बैठक को लेकर कहा कि गृहमंत्री के साथ बैठक में चर्चा होती थी, लेकिन अब प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब की उपस्थिति में बैठक होगी। गृहमंत्री से चर्चा के पहले जो स्टेट में चर्चा होती है उस पर आपस में चर्चा करेगी। बैठक में काफ़ी कुछ चर्चा और बातचीत होती। अभी हम लोग माननीय माथुर साहब की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे और एक प्राथमिक चर्चा गृहमंत्री जी से चर्चा के पहले जो स्टेट में होता है उस पर हम लोग एक बार आपस में अलग अलग सीटों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या लगता है सर, ये पहली सूची बहुत जल्दी आई थी लेकिन दूसरी सूची में काफ़ी देरी नहीं है? ये पार्लियामेंट का सत्र आ गया, फिर बिल आ गया, फिर गृहमंत्री जी की व्यस्तता और अन्य लोगों की व्यस्तता की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। यथार्थ को जनता के सामने बता रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो पैसा दिया जाता है बोनस को छोड़कर, बाकी 2170 रुपया और बाकी जो राशि दी जा रही है वो केंद्र सरकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देती है और पूरे के पूरे धान को चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। राज्य सरकार तो सिर्फ एक खरीदी के रूप में केंद्र सरकार के रूप में बैठ